हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि वीडियो को पहले पूरा देखें। वीडियो में कोई कॉमेडी का वीडियो नहीं लेके आया, कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं लेके आया। पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा देखने के बाद आप कुछ भी जो भी कमेंट करना है आप मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात शुरू करते हैं। हम फलस्तीन के बच्चों को देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फलस्तीन के कई वीडियोस में मेरे पास आते हैं तो दिल रोता है दोस्तों, बहुत रोता है। आप लोग ये वीडियो एक बार देख लें। तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख चुके हैं पानी के लिए कैसे बच्चे तरस रहे हैं। हम लोग फलस्तीन के बारे में दुआएं करते रहे। आप लोग कहेंगे कि भाई हम यहाँ पर रह के कुछ नहीं कर सकते, दुआओं में इतना पावर है, इतना पावर है कि दुआ मौत को भी रोक सकती है। जबकि मौत रुक नहीं सकती, लेकिन मौत को दुआ रोक सकती है। तो हम यहाँ बैठकर फलस्तीन के बच्चों की दुआओं से हिफाजत कर सकते हैं। दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि फलस्तीन के बच्चों के लिए दुआएं करें, वो लोग पानी पानी को भी तरस रहे हैं। मेरे दोस्तों वीडियो को मुझे लाइक नहीं चाहिए, कोई कमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी मुझे जरूरी नहीं है। दोस्तों इनके लिए दुआएं करते जाएं। और दोस्तों रही मेन बात, आप लोग ऐसे वीडियोस ना शेयर करें जिस वीडियो से दिल को ठेस पहुंचती है। वो कौन सा वीडियो है चलिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ऐसे इफ्तार के सहर के वीडियोस आप लोग फोटोज फेसबुक पर शेयर करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो पानी पीकर रोजा रखते हैं, जिसको खाना नसीब नहीं होता। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चिकन के पीस होते हैं, बिरयानी होती है, फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। प्लीज दोस्तों ऐसे फोटोज शेयर ना करें। हम शेयर करेंगे सिर्फ इफ्तार का खाना, शहर का खाना हम शेयर करते जाएंगे इंशाल्लाह। यहां से हम लोग शेयर करते जाएंगे खाना, बस फोटो नहीं। फोटो को प्लीज शेयर ना करें। ऐसे बच्चों को तकलीफ होती है दोस्तों, जिसको पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो रहा दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को फलस्तीन के लिए दुआएं करने की जरूरत है। ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा हर नमाज में बच्चों के लिए दुआ करते रहें, रोजे की हालत में बच्चों के लिए दुआ करते रहें, इफ्तार के टाइम पे हम बैठते हैं तो दुआएं करते रहें दोस्तों। चलिए अल्लाह से आखिर में मैं दुआ करता हूं कि फलस्तीन के बच्चों की हिफाजत फरमाए। दुआ करना हमारा काम है, बचाना उसका काम है, बस सब हिफाजत वही करने वाला है, बस हम दुआएं करते रहें। चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो से कुछ आपको दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।